एक ही है वृक्ष, लेकिन सोचने के हजारों हजार नजरिए हैं। जिसको धूप लगी हुई है वो सोचेगा क्यों ने इसकी छाया का इस्तेमाल कर दिया जाए, बड़ा छायादार वृक्ष है। कोई जानवर अगर इधर उधर से आए जान बचाने के लिए, उसके ऊपर कोई चढ़ गया तो उसको वो बहुत अच्छा बहुत बड़ा परमात्मा नजर आएगा, अगर ये नहीं होता तो चली गई होती जान। काम एक ही है, वृक्ष एक ही है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग विचार पैदा होंगे। उसी प्रकार ये मानव के जो जितने भी शरीर हैं, सब के सब शरीर एक जैसे हैं। वही भोग, वही इंद्रियां, वही सब कुछ जितने भी अंग हैं, बस फर्क क्या है, फर्क सोच का होता है, विचारों का होता है। विचारों के अंतर के कारण ही मानव सब जानवरों में श्रेष्ठ हो सकता है। वो सबसे श्रेष्ठ होने के कारण से परमात्मा को खोज सकता है, क्योंकि विधि हो गई। देखो, आपके अधीन आपका शरीर नहीं है, कोई चाहे शरीर मेरा है। अगर आपका शरीर हो तो बच्चे बन करके रहो, बड़े क्यों हो। अगर आपका शरीर है तो बूढ़े, अगर ये करोगे तो पुण्य प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग तक चले जाओगे। कर्म तो बनाना, मिटा नहीं, बन गया और आपको पुण्य बना दिया। क्या समझ करके, लक्ष्य समझ करके कि इससे हमें ये लाभ होगा, इससे हमें ये प्राप्त होगा। अभी कुछ दिन पहले एक महिला आई मेरे पास, उन्होंने 11 रुपए निकाले मेरी तरफ किए। मैंने कहा मैं क्या पूछता, मुझे तो क्या, मेरा तो काम चल रहा, हमको काम करके रोटी खाने वाले लोग हैं, हम दान धंधे से पूरी रहने का प्रयत्न करते हैं। उसने कहा नहीं जी, ये दान धंधा नहीं है। मैंने कहा और क्या है ये तो है ना, कल भैंस ने दूध नहीं दिया था, उसके ऊपर से घुमा करके लेके आए, दो दिन तो सही दिया है। अब सोचा वहां से लाया तो वहां बोल के आई थी। तो जो ये शोक है ना, ये आपको थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना होगा कि ये आप एक कर्म को तोड़ने के लिए दूसरा कर्म उत्पन्न कर रहे हैं। ये कर्म आपको भोगने पड़ेंगे भी। अच्छे मेहमान तो अच्छे कर्म होते हैं, लेकिन भोगने तो पड़ेंगे ना। अच्छे हुए तो खुशी के साथ होगा कि शरीर सुख होगा, बहुत मस्ती होगी, लेकिन है तो भोग ही, शरीर तो मिलेगा ना, कर्म तो बन गया। बुरे कर्म करोगे दुखी होगे, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, लेकिन कर्म तो बना ना। कर्म मत बनने दो, बीज का कारण मत बनो। मन के अंदर ऐसे संकल्प मत करो, ऐसे विचार पैदा मत करो जो आपके जन्म के कारण बने, जो आपकी भक्ति में विघ्न पैदा करे। ऐसा कोई भी संकल्प मत करो, ऐसे संकल्पों से बच के रहो। वो बिना संकल्प के जब आप आत्मा में स्थित हो जाओगे, जब आप उस रहस्य को जान लोगे, ये भेद जब आपके सामने खुल जाएगा कि आत्मा क्या तत्व है। जब आप अपने आप को शरीर मानना बंद कर दोगे, जब आपका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति रह जाएगा, इस संसार के अंदर दुख को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। संसार के काम
कभी समाप्त नहीं हो सकते। एक लड़का आता है मेरे पास बहुत वर्षों से, शायद 7-8 वर्ष से। उसने कहा जी आप टाइम खराब कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे पता है। उसने कहा कि जी पता तो आपको सब कुछ है, लेकिन आप गलत दिशा में गलत लोगों के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये वो लोग नहीं है जिनको परमात्मा की आवश्यकता है, भजन की आवश्यकता है, मोक्ष की आवश्यकता है। ये छोटे छोटे कामों को लेकर के आए हैं, और इनके काम हो जाएंगे तो ये चले जाएंगे, ना होंगे तो भी ये चले जाएंगे, चेहरे बदलते रहेंगे। तो आपका जो उद्देश्य है लोगों को जगाने का, परमात्मा प्राप्त कराने का, हम उस विषय में काम करना चाहते हैं, उसी तरफ हमें काम करना चाहिए। जितना 10-8 घंटे हर रोज इन छोटे छोटे कामों के लिए हम दे रहे हैं, इतना समय जितना हम लोगों को दे रहे हैं, आधा घंटा, 2-2 मिनट, जिसको जितना मिल पाता है, इनको इसकी अहमियत का नहीं पता। नादान से लोग हैं। जब तक इनके समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कि मैं देख रहा हूं इतने वर्षों से इस समय लोगों का कम होता गया और भी कम हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में संगत बढ़ती जाएगी बहुत ज्यादा। लेकिन हमें नाम